Hello students, good morning to all of you. Today we are going to learn the chapter number 9 of 8th English medium SS, and that is the freedom movement of 1857 C. As you all know कि ब्रिटिशर्स ने हम पे 200 साल तक राज किया था, रूल किया था. तो वो लोग आए थे तो ट्रेडिंग के लिए, लेकिन फिर कंसिक्वेंटली उन्होंने हमारे सारे स्टेट्स को अपने अंदर एनेक्स कर लिया और अपने रूल के नीचे ला के उन लोगों ने हम पे रूल करना स्टार्ट कर दिया. उनके रूल के वजह से हमारे जो इंडियन पीपल्स थे उनके बीच में डिससेटिस्फेक्शन, उनकी ओर से डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई. अभी उन लोगों ने सोचा कि ये हमारा कंट्री तो उनके रूल के नीचे आ रहा है और वो हमारे लिए तो कुछ अच्छा काम कर नहीं रहे, और हमारे देश को, हमारी कंट्री को, हमारे स्टेट को वो लोग डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं. तो वन बाय वन बहुत सारे लीडर्स ने इस बारे में सोचा और रिवोल्ट लेना स्टार्ट किया, पूरी एक पॉलिसी बनाई और पर्टिकुलर एक दिन डिसाइड किया हुआ था कि जब वो रिवोल्ट लेना था. तो वो पूरी प्रोसेस क्या थी वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो इंडिया के अंदर 1857 कॉमन एरा में स्टार्ट हुई थी, और हमारे देश की जो जनता है उसके अंदर पैट्रियोटिज़म और नेशनलिज़म प्रोड्यूस करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंसिडेंस है, और इसी से तो हमारे देश की आज़ादी मिलना शुरू हुई थी. रीज़न फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 CE, ये आउटब्रेक क्यों हुआ. द मेन रीज़न फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉमन एरा वॉज द वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फेक्शन अमॉन्ग द पीपल इन इंडिया ड्यू टू द सप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश अडोप्टेड टू स्प्रेड देयर एम्पायर इन इंडिया. ब्रिटिशर्स उनका एम्पायर हमारे इंडिया के अंदर स्प्रेड करना चाहते थे, तो दैट्स वाई उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हुई थी. चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने पढ़ा पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस, ऐसे सारी पॉलिसीज वो हम पे एक वन बाय वन हम पे वो डालते गए, और फ़ायदा तो उनका ही हो रहा था. तो इसकी वजह से डिससेटिस्फेक्शन और रिवोल्ट लेने की फीलिंग हमारे इंडियंस के अंदर प्रोड्यूस हुई. सो कौन कौन से रीजंस थे वो देखते हैं वन बाय वन. सो फर्स्ट रीज़न वॉज सोशल एंड रिलीजियस रीजंस. तो सोशली और रिलीजियसली क्या सबके अंदर फीलिंग्स प्रोड्यूस हुई थी वो देखते हैं. द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बाय कंपनी मेड पीपल फील इनसिक्योर एंड सस्पिशियस. जो भी डेलहाउसी ने बहुत सारी पॉलिसीज डाली थी ना, चाइल्ड मैरिज बंद करवाने के, विडो री मैरिज, सती प्रथा बंद करवाई थी, तो इन सब चीज़ों की वजह से उन लोगों को ऐसा लगा कि ये हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं, सोशल लाइफ को नष्ट कर रहे हैं. द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट धैम इन टू क्रिस्टनिटी एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन फॉर एवर. उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये हमें धीरे धीरे अपने क्रिश्चियन धर्म के अंदर वो कन्वर्ट कर रहे हैं, और हमारा धर्म हमेशा के लिए वो हमारा कल्चर, हमारा धर्म वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. पीपल बिलीव्ड दैट द इंडियन सोशल सिस्टम वॉज डेलिबरेटली अनडिटरमाइंड इन रेलवेज, undermined in the railways, jails and militaries. A larger section of our society was orthodox at that time, and thus the new changes arouse dissatisfaction in them. हमारे यहाँ डलहौसी के टाइम पे रेलवेज स्टार्ट हुई थी, पोस्टल सिस्टम स्टार्ट हुई थी, मिलिट्री के अंदर बहुत सारे चेंजेस अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिए थे. तो ये सारी चीज़ों में जब जहाँ पे हमारे वर्कर्स काम करते थे उनके साथ भी बिहेवियर अलग होता था, और ब्रिटिशर्स के जो भी वर्कर्स काम करते थे उनके साथ भी बिहेवियर अलग होता था. तो एज अ रिजल्ट मैनी पीपल ज्वाइंट द फ्रीडम मूवमेंट टू सस्टेन देयर सोशल रिलीजियस स्ट्रक्चर. अपने सोशल और रिलीजियस स्ट्रक्चर को बचाने के लिए ये भी एक रीज़न था कि 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक रीज़न. अभी इकोनॉमिकली क्या हुआ था, द एम ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू इंग्लैंड एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया को सप्रेस करके अपने कंट्री के अंदर वेल्थ पूरा लेके जाए, ये उनकी पॉलिसी थी. एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी बिकम इम्पोरिस्ट. द लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट्स हैविंग लॉस देयर लैंड्स पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट. इसी वजह से ऐसा हुआ कि जो हमारे लैंडलॉर्ड थे और जो पीजेंट्स थे उनके यहाँ काम करने वाले, उन लोगों ने अपनी ज़मीन भी गवा दी, अपनी मिलकत भी गवा दी, और फिर उन्होंने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर लिया. पॉलिटिकल रीजंस तो वो क्या थे, द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड द दीवानी राइट्स. उन लोगों ने ये दीवानी राइट्स ले लिए थे बैटल ऑफ बक्सर के बाद, राइट. तो ये दीवानी राइट्स लेने का मतलब क्या है कि जो टैक्स हम लोग कलेक्ट करते थे हमारे कंट्री में दूसरे ट्रेडर्स के आने के बाद, उनसे हम लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, अभी ये टैक्स कलेक्ट करने का पूरा हक इनके हाथ में आ गया था.
तो बहुत सारे ऐसे विदाउट रीज़न टैक्सेस हमको भरने पड़ते थे उन लोगों के लिए, और उनके जो पीपल थे उनको तो कोई टैक्स ही नहीं भरना पड़ता था। तो सब्सिडरी अलायंसेस के अंदर भी ऐसा बोला हुआ था कि आपको हम हमारी मिलिट्री देंगे, फिर धीरे धीरे मिलिट्री दे के उन्होंने तो पूरा स्टेट ही हड़पना शुरू कर दिया था। फिर नेक्स्ट पॉलिसी आई थी, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, जिसके अंदर जिस थ्रोन पे जो किंग है उनका अगर कोई अपना खुद का बेटा नहीं है और वो मर जाता है तो वो स्टेट को एनेक्स कर दिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। तो ये सारे पॉलिटिकल जो उन लोगों ने पॉलिसीज बनाई थी, ये सारे रीजंस की वजह से डिससेटिस्फेक्शन हमारे पीपल के अंदर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया और उन्होंने रिवोल्ट लेना स्टार्ट किया, उन्होंने भी रिवोल्ट को ज्वाइन किया। फिर है मिलिट्री रीजंस। मिलिट्री रीजंस क्या क्या है? द नंबर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स वेर वेरी लेस इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। हमारे यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड सोल्जर हमारे बहुत बड़े कंट्री के सामने तो उनके बहुत ही कम थे। द रेशियो ऑफ द इंडियन सोल्जर्स टू द ब्रिटिश सोल्जर्स वेर अप्रोक्सीमेटली 6:1। 6 गुने हमारे मिलिट्री के मैन ब्रिटिशर्स के साथ काम करते थे इन द मिलिट्री। द हायर पोस्ट इन द मिलिट्री वेर रिजर्व्ड फॉर द ब्रिटिश। ब्रिटिश के लिए हायर पोस्ट देते थे और हमारे लोगों को लोअर पोस्ट वो देते थे। द अपॉर्चुनिटी ऑफ द प्रमोशन वॉज वेरी लिमिटेड फॉर द इंडियन सोल्जर्स। हमारे इंडियन सोल्जर्स को प्रमोशन भी बहुत ही कम देते थे, ज़्यादातर ब्रिटिशर्स के जो मिलिट्री पर्सन्स थे उनको ही प्रमोशन दिया जाता था, प्रमोट किया जाता था। देर वॉज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ इंडियन सोल्जर एंड ब्रिटिश सोल्जर। सैलरी में भी डिफरेंस था। हमारे जो इंडियन सोल्जर थे उनको सिर्फ पर मंथ 7 रुपीज़ दिया जाता था और ब्रिटिश सोल्जर्स को 150 रुपीज़ दिया जाता था। दैट इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। द ब्रिटिश सोल्जर्स कंसिडर्स द इंडियन सोल्जर्स टू बी लो एंड इनसिग्निफिकेंट। वो हमारे सोल्जर्स थे उनको लो एंड इनसिग्निफिकेंट बताते रहते थे। एज पर द रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस द इंडियन सोल्जर्स वेर नॉट अलाउड टू क्रॉस द सी और एज द पर्सन वुड बी ट्रीटेड एज द आउटकास्ट। और हमारे रिलीजन में ऐसा भी माना जाता था उस टाइम पे भी कि अगर कोई सोल्जर यहाँ पे हमारी कंट्री में से सी क्रॉस करके दूसरी कंट्री में गया तो फिर उसको आउटसाइडर माना जाएगा। डिस्पाइट दिस कस्टम्स द इंडियन सोल्जर्स वर कम्पेल्ड टू क्रॉस द सी इन ऑर्डर टू फाइट बैटल्स फॉर द ब्रिटिश। लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए फाइट करने के लिए हमारे मिलिट्री मैन को जाना पड़ता था ओशन क्रॉस करके। दिस लाइक अदर इंडियंस द सोल्जर्स टू फाइट द रिलीजन वॉज एट स्टेक। इसीलिए सभी दूसरे पर्सन्स की जैसे सोल्जर्स को भी ऐसा लगने लगा कि हमारा धर्म संकट में पड़ा हुआ है। सो द सोल्जर्स बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी शेयर्ड द सेम सेंटीमेंट्स ऑफ ग्रीफ सस्पिशन एंड एंगर एज अदर्स डिड। इसलिए उन्होंने भी रोष व्यक्त किया और रिवोल्ट में शामिल हो गए। नेक्स्ट है द इमीडिएट रीज़न। इमीडिएट रीज़न कौन से थे? तो मैंने आपको बताया हुआ था इन जनवरी 1857 में न्यू राइफल ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। और वो किससे बनी हुई थी? उसका जो कार्ट्रिज था वो क्या होता है कि उसका वो राइफल चलाने से पहले उसका कार्ट्रिज मुंह से तोड़ना पड़ता है। लेकिन वो कार्ट्रिज किससे ग्रीस किया हुआ था? फैट ऑफ काउ एंड पिग। तो जो हमारे यहाँ के ब्राह्मण सोल्जर्स थे, हिंदू सोल्जर्स थे, वो तो काउ की जो भी फैट से ग्रीस किया हुआ कार्ट्रिज है वो मुंह में से डालेंगे नहीं। और साथ में जो भी मुस्लिम के जो भी सोल्जर्स थे उनको भी द पोर्क वॉज प्रोहिबिटेड बाई द रिलीजन। उनके भी रिलीजन में ये प्रोहिबिटेड था। सो द फैक्ट दैट द ब्रिटिश वर डेलिबरेटली ट्राइंग टू डिसेंटिफाई द रिलीजन, सो द रिस्पॉन्स फॉर देयर कंप्लेंट्स इन द सेम रिगार्ड्स वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। उन लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने कंप्लेंट की, लेकिन उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी नहीं मिला। हैंस द 19th बटालियन ऑफ द बरकपुर वॉज द फर्स्ट टू रिफ्यूज द यूजेज ऑफ कार्ट्रिज। और कार्ट्रिज का यूज के लिए मना करने की वजह से जो 19th बटालियन था बरकपुर का, उसने पहले मना किया था और फिर एंटायर बटालियन वॉज डिसबैंडेड। और इसी वजह से ये पूरा बटालियन डिसबैंडेड किया गया था और फिर वो लोग भी रिवोल्ट में ज्वाइन हो गए। सो नेक्स्ट इज प्लानिंग ऑफ द रिवोल्ट एंड मंगल पांडे। ये रिवोल्ट किस वजह से हुआ ये तो सारे रीजंस हमने देख लिए, लेकिन ये रिवोल्ट का प्लानिंग कैसे हुआ और मंगल पांडे ने कैसे उन्हें उसमें पार्टिसिपेट किया वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अभी, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।